अभी गत दिनों माननीय प्रधानमंत्री जी जब अपने पंजाब यात्रा पे थे, प्रवास पे थे, और पंजाब की कांग्रेस सरकार के द्वारा जिस तरह उनकी सुरक्षा के साथ खिलवाड़ किया गया, कॉम्प्रोमाइज़ किया गया, और ऐसे स्थान पे जहां से पाकिस्तान 10 किलोमीटर दूर पाकिस्तान की बॉर्डर लगती है, इतनी बड़ी मुझे लगता है एक तरह से षड्यंत्र कांग्रेस द्वारा जो किया गया माननीय प्रधानमंत्री जी की सुरक्षा को लेके, उसको लेके पूरे भारतवर्ष में सभी लोगों में आक्रोश है। कल पूरे भारत में सभी मंदिरों पे माननीय प्रधानमंत्री जी की लंबी आयु को लेके महामृत्युंजय के जाप किए गए। आज पूरी भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता कांग्रेस के इस षड्यंत्र पूर्वक और घिनौने कार्य को लेके हम लोग मौन धरने पे बैठे हैं। कांग्रेस का कहना है कि ये राजनीतिक लाभ लेने के लिए पूरी स्क्रिप्ट रची गई है, पूरी भारतीय जनता पार्टी से एक मुद्दा बना रही देशव्यापी। शर्म आना चाहिए कांग्रेस को। देश के प्रधानमंत्री किसी पार्टी या दल के नहीं होते, वो देश का सम्मान और स्वाभिमान होते हैं। माननीय नरेंद्र मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री हैं, और प्रधानमंत्री की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ जो कांग्रेस की कांग्रेस सरकार ने किया है, और उनके सभी जो बड़े नेता हैं, चाहे सोनिया गांधी हों चाहे राहुल गांधी हों, वो इसमें भी राजनीतिकरण कर रहे हैं। इतनी देशभावपूर्ण कार्रवाई मुझे नहीं लगता इससे पहले कभी भारत में हुई है। जीतू पटवारी नौटंकीवाद करार दे रहे हैं कि नौटंकी। जीतू पटवारी को मुझे लगता है कि थोड़ा सा उनका मानसिक संतुलन वो खो बैठे हैं, और चाटुकारिता में अव्वल आने के लिए, अपने आकाओं को खुश करने के लिए वो किसी भी शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। भगवान उन्हें सद्बुद्धि दे।